इंसानियत का दर्द जब आंखों से छलकने लगे, मानवता घुटनों में सर छुपाकर रोने लगे, जब एक दूसरे की तरफ निगाहें हसरत से उठने लगे और ऐसा लगे कि जैसे कि मदद को हम पुकार रहे हैं, तब न जाने कहां से हजारों हाथ बाहर निकल आते हैं जो एक दूसरे की मदद करने को तैयार होते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, यही हमारी भारतीय सभ्यता है कि हमने हमेशा मुसीबत की घड़ी में, परेशानियों में एक दूसरे का साथ दिया है। और आज इस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने जिस तरह से एक साथ हम लोग एक आए हैं और एक दूसरे का हमने साथ निभाया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर 21 दिन का लॉकडाउन का सभी ने बहुत सही तरीके से पालन किया। उन्होंने इसके लिए घरों में रहे और घर से बाहर नहीं निकले। इसी क्रम में रामपुर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए इस तरह से काम किया जैसे कोई अपनी फैमिली के लिए काम करता है। जिलाधिकारी इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और इसी के तहत तमाम रामपुर के एनजीओ द्वारा अन्य समितियां भी निकलकर सामने आई, जिसमें जीवन प्रगति के नाम की एक जन कल्याण समिति है, जीवन प्रगति कल्याण जन कल्याण समिति, इसके जिला अध्यक्ष शाबेश का है तथा इसकी सदस्य डॉक्टर नास जो सुवार से हैं, ये लोग भी मैदान में आए और इन्होंने सैनिटाइजर, फेस मास्क और हाथों के दस्ताने, हैंड ग्लोव्स, वो तमाम चीजें इन्होंने दी जो कि बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए उन कोरोना वॉरियर्स के लिए थी जो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने आरडीए में जाकर लोगों को दिया, इन्होंने उसके बाद में एनआईसी गए और बहुत सी जगहों पर गए और तमाम वो पुलिसकर्मी दे रहे हैं सड़कों पर जाकर, उन लोगों को भी इन्होंने मास्क पहनाए, हाथों में दस्ताने पहनाए और उनकी हिम्मत की दाद दी। इस क्रम में इन लोगों का साथ देने के लिए डॉक्टर रंजीत और इनके साथ में दानिश खान तथा गोपी नाम के व्यक्ति भी रहे। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर नाज है, मैं सुवार तहसील से हूँ, जिला रामपुर। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से लोग सावधानी बरतें और हमारे देश में इतनी महामारी चल रही है तो बस लोगों से गुजारिश करती हूँ और बस ये कहना चाहूँगी कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मैं लोगों की घर घर जाके भी हेल्प करती हूँ और अपनी एनजीओ के थ्रू जो मैं एनजीओ चलाती हूँ जीवन प्रगति जन कल्याण समिति के अंतर्गत ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर, ज़रूरत का सामान भी देती हूँ। हमारे कुछ पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं मैंने और मैं उन लोगों को सलूट करती हूँ प्रशासन को जो इतने कड़ी वक्त में हमारे साथ खड़े हैं और हम लोगों को समझा रहे हैं। पर हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की बात माने और घर में सुरक्षित रहें। मैं शाबेश खान, जीवन प्रगति जन कल्याण समिति से की ओर से आज हमने सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स वगैरह जो है हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो कि हमने कंट्रोल रूम में, रामपुर विकास प्राधिकरण में, एनआईसीओ में और प्रशासनिक लोगों को शबादी गेट, नवाब गेट जैसे कि इन जगहों पे जो हमारे प्रशासनिक लोग जो खड़े हैं, रोडों पर खड़े हैं, उन लोगों को हमने सबको मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इससे पहले भी हम कई मरतबा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कंटिन्यू हमारा प्रयास ये है कि लोगों तक हमारा मास्क, सैनिटाइजर और ये हम लोग उनको उपलब्ध कराते रहें वक्त 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 के वक्त।